वेलकम टू योर ऑन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट में। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में मैं आपको वॉच बनाना सिखाऊंगी पेपर और कुछ वेस्ट मटेरियल से, जिसे आप स्कूल प्रोजेक्ट्स में, स्कूल क्राफ्ट में आसानी से बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वॉच बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट्स है कि इसे और अलग अलग डिज़ाइन में कैसे बना सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए। और एक और चीज़, इस वीडियो में मैंने पहले से ही कटिंग्स करके रख रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और उसमें बेसिक कटिंग्स है तो मुझे नहीं लगता इसे कट करने में कुछ मुश्किल होगी। और फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप प्लीज़ मुझे मेल आईडी के साथ कमेंट्स करें ताकि मैं इसी कटिंग्स की वीडियो आपको सेंड कर दूँ। तो वीडियो बनाने से पहले एक और चीज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये तीन डिफरेंट तरीके के सर्कल्स लिए हैं, इसको हम वन बाय वन पेस्ट करेंगे। सबसे बड़ा रेड, देन इस पे ब्लू और देन इस पे पिंक। इसको हम सबसे पहले फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने तीनों सर्कल को पेस्ट कर लिया है। अब हम वॉच बना रहे हैं तो मैंने यहाँ कुछ नंबर्स प्रिंट फॉर्म में लिए हैं। इसे आप सर्कल करके, स्क्वायर करके, किसी भी शेप में ब्लैक मार्कर से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ फेविकोल अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे फोर मेन नंबर लगाने के लिए। ट्वेल्व, नाइन, थ्री, सिक्स। हम बाकी नंबर इजीली लगा सकते हैं। तरीके से हम बाकी नंबर भी पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसके आसपास की डेकोरेशन भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने इस शेप में, टॉफी की शेप में इसको कट किया है, ये आप देख सकते हैं। इसे काटना बहुत इजी है। और यहाँ पर मैंने ये इसकी एलिफेंट के ट्रंक को कट किया है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पेस्ट करेंगे। चलिए इसकी डेकोरेशन को हम कम्प्लीट करते हैं धीरे धीरे। इसके ईयर्स पे भी हम डेकोरेशन करेंगे। ये मैंने बीन शेप का लाइट पिंक कलर का पेपर कट किया है इसके कंट्रास्ट में। सेम अपोजिट शेप में भी यहाँ पे भी पेस्ट कर दे रही हूँ। यहाँ मैंने ये थोड़ा सा ग्रास शेप में, इसको कार्टून लुक देने के लिए मैं इसको उस पर पेस्ट कर दे रही हूँ। यहाँ हम आइस पेस्ट करेंगे, पहले वाइट, देन इस पे ब्लैक, देन इसमें मैं अगेन छोटा सा व्हाइट पेस्ट कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा लुक दे। और इसके हार्ट पे, इस यहाँ पे चिक्स पे हार्ट की शेप। ये आप देख सकते हैं फेस की तरफ का पार्ट रेडी है। अब हम इस तरफ डेकोरेशन करें। अब हम इस पार्ट की डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पर लगाने के लिए मैंने ये बटरफ्लाई बनाई है, इसको हम और अभी बना देते हैं। इससे इसमें आप और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैं अभी आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ, इसे हम फेविकोल से पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये पैर, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और यहाँ पे ये एलिफेंट की टेल। तो चलिए हम सबसे पहले इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी घड़ी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन हम पिन लगाएंगे।
यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ छोटा सा होल कर रखा है, इसे मैंने ये बोर्ड पिन से किया है, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पर ये कार्डबोर्ड के मतलब थोड़े मोटे पेपर के मैंने यहाँ पे दो एरोज भी कट किए हैं, और इसमें भी मैंने इसकी हेल्प से यहाँ पे होल कर रखा है। तो इसको हम इसमें बोर्ड में पहले यहाँ से डालेंगे, ठीक उसी तरीके से दूसरा भी डालेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम एज इट इज यहाँ पे डाल के, ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग टॉय वॉच की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसे आप हैंग करने के लिए यहाँ रिबन की हेल्प दे सकते हैं, और ये पेपर का है, इस पे स्ट्रेंथ देने के लिए जैसे मैं राउंड कार्डबोर्ड आप इस पे पीछे पेस्ट कर सकते हैं। ये केक बेस है, जो वेस्ट मटेरियल है केक के बाद हम ये बोर्ड फेंक देते हैं मोस्टली, तो इसे आप यूज कर सकते हैं इसे पीछे बेस देने के लिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इसे आप खुद बनाइए। अगर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।